जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की और जहां से भी शुरुआत की उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से हिंदुस्तान में कम्युनल डिसहार्मनी हुई, लोगों के घर बर्बाद हो गए और कुछ लोग की मृत्यु भी हुई, तो इसका कौन जिम्मेदार? तो अगला कदम यह है कि पता करना कि इन लोगों की आइडेंटिटी क्या है। उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है और मैं समझता हूं कि आज अगले कुछ दिनों में हमें तय करना होगा कि हम अपने कानून के अंतर्गत क्या कर सकते हैं और कानून को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में इन वेबसाइट्स का सहयोग लेके हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसने इसका दुरुपयोग किया है और अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसको दंडित कैसे किया। कमल जी, ये बात आपने काफी पहले कही थी कि इन सब करना चाहिए, आपको लगता है कि अभी भी समय है भारत को थोड़ा बहुत जो लगाम है वो अपने पास रखनी चाहिए? देखिए, कोई सेंसरशिप की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई सेंसरशिप की बात नहीं है,